ब्यूटीफुल पीपल क्या बोलती पब्लिक। तो भाई लोग आज हम सुनने वाले हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रैपर्स सीधे मौत, और उससे भी ग्रेटेस्ट रैपर एसके। जो एसके को नहीं सुनता बहुत ही फजूल और वाहियात है, उसको रैप के बारे में कुछ नहीं पता। मैं कहता हूँ मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन अगर मुझे एसके के बारे में पता तो भाई मुझे भाई 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 तेरा एसके वो एसके ऐसा नहीं, पबजी नहीं, ये पंजाबी। तो खैर शुक्र कुरान था मैंने बचाया, डिप्रेशन तो कुछ ऐसा करके बाहर भी थी इसकी। सो एनीवेज खून आई थिंक गाने का नाम है, मेरा आ नहीं रहा, शो नहीं हो रहा, लेकिन मेरे ख्याल से मेरा खून ही था। तो खैर स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग को, चेक करते हैं यार लोगों ने कोलैबोरेट जो ट्रैक्स है ना वो बहुत ही कंचे लोगों के साथ किए। सो यस कमांडो अरे भाई गाना स्टार्ट हुआ ऐसा लग रहा था जैसे हिंदू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो अक्सर उनकी ज्ञान हो रहे होते हैं उसके अंदर सगा म्यूजिक होता है, और बाद में जब से मारी डाइव शराब में बाहर निकलना ख्वाब उबासी लेते तब भी उबले आगे सारे साथ पर पूछ के आग रहे बुझती जब कहीं बंद हो हर दिशा से आप वो दोनों तमाकू में चैन वो इन चूतियों को पता नहीं प्लान वो ये वैके ते करूं मैं स्कैम आगे एम एच लुक एट मी कहां पर हूं मैं टीम इतनी बड़ी करे ऐसे बुरा फ्लोर बुक आता शो पे नेशन ने पता आ गए कॉर्बिट सोने लगा मुझे काफी रबर करे बोर अभी तो अंदर बड़ी कला को निकालू मैंने छोड़ के मारे चीते छलांग तमाम इज्जत पैसा कमाए कमा लगन मुझे इसका म्यूजिक बहुत जबरदस्त लग रहा है यार, ये क्या इंस्ट्रूमेंट इसने मतलब किस तरीके से यूज किए हुए हैं। तो भाई बिग रिस्पेक्ट है जो बीट पे था। लगाए कलम पे हाइड्रोजन सल्फेट माइक हो या गुद्दी दोनों पे है वन टेक करते सौ धंधे तेज बदलते हैं ये बंदे मौसम से बंदे ऑप्शन से लिखू जैसे सीने मेरे कंधों पे मुकाबला नहीं पे है ये राजा सारे अंधों के बराबरी करे ना मेरी चाहे लिखू बंदों के मैं खूना खूनी करूँ अपने गुस्से में भसम के पसंद नहीं और हवा में जैसे तंग पतंग किंडो सलाखे मुझे बस कर जल गया रिश्ता रह गया राख मुखलिस दिन मेरा जहिला रात गलियां तो छड़ पूरे शहर ना बात ब्रह्मपुत्र राम मेरी लहर ना नाप कदे मैं मेघालय कदे पंजाब शिलोंग में पट्टियां बूटियां खास के लिए विशितम राज मेरा बूटियां शराब तू दिखता शुद्ध मेरा हुलिया पाक किन्नियां पेटियां उड़ गई क्लब विच सो लगे वीरे सी मैं होश नहीं 25 साल बाद जिन्हें पैसे तू उड़ाती हो और जिंदगी ते पता नहीं ला बैठा कुछ थे उन्हें मैं हार गया क्लब कुछ सही लाइन थी यार आई थिंक दोस्त के लिए सीजन बार्स नहीं 100 बार्स बोल नहीं सी आई थिंक विंटर फ्लो के समर फ्लो केरा आंदा है ओला साल च हाँ यार इस तरह की लाइन मेरे को जहन में आई है तुम्हें बताना अगर तुम एसके को सुनते हो नहीं मैं रब जो तो पहला सी मैं होश नहीं मुंडा है सोल्जर पर फौज नहीं टेलर मेड करा बॉक्स लाई सोनिया के कंधी शॉट पे लाई नजर से आई फिर लौट के नहीं बात डिस पलकार द कॉल मैं हो विजय वीकेंड किंग ऑफ द फॉल मैं पंगा पे आ कीता सॉल नु फोन मैं खेचे फट मुंडे कंधे सी कॉम्प्लेन मेरी एफ चार धारा करना विचार बड़ा बन जा तो पगतिया जल्दी है तार माला किने टोंगी उरे दस वे दुकानदारा तब था तू मैं सब नु जलान वाला CR7 शूट करा धीरे बॉल कमा 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 दमा तीनों सीधे मौत मैसी 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 भाई आजकल जमाना मैसी का जा रहा है भाई जो मर्जी भाई वो गांडू बहन जो लेके जा रहा है अर्जेंटा से ट्रॉफी भाई जो मर्जी बोल दो वो चल रहा है बस मैं कोई मुझे खुद मेरी तरफ से भाई मैं तो एम्बापे पापी 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 चूलो लेकिन मैसी चल रहा है आज के जमाने में एनीवेज मजाक कर रहा हूँ तुम्हारा अपना अपना ओपिनियन है विचार बड़ा बन जा तो पगतिया जल्दी है तार माला किने टोंगी उरे दस वे दुकानदारा तब था तू मैं सब नू जलान वाला CR7 शूट करा धीरे बॉल कमा 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 दमा तीनु सीधे मौत कदे कोयले सी दस हुन हीरे कौन साडी गलियां च बन देने वीरे डॉन माइंड स्लो मेरा गड्डी चले फास्टर सोनी ऐड करे जिंदगी आस कर मोहाली मेरा हस्ताक्षर आई एम पैनिक जिमे भास्कर अच्छा यार तुम लोगों ने शायद मुझे
मेरी इस चीज़ से बुरा मना लो और पता नहीं मुझे गलत समझो, सबसे पहले तो मैं पहले वीडियो में बोल बैठा यार ये एंटीबायोटिक खाई है इससे मुझे पसीना आ रहा है, मुँह ना बनाना क्या पसीना क्यों आ रहा है, तो ये क्यों हो रहा है भाई, जोर पड़ते थे एंटीबायोटिक से मुझे। एनीवेज आई डोंट नो यार, मैं तुम लोगों को समझा भी पाऊंगा कि नहीं, तुम लोग कहोगे कि वो ले निकल ये, यार ऐसा होता है, लेकिन ना चंद ऐसी एल्बम्स आती हैं जिनकी ना लिरिक्स 110% होते हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि ओवर शैडो कर रही होती है चीज़ कुछ ना कुछ, मुझे नहीं पता। मैंने तीन गाने सुने और तीनों गानों के अंदर जो मुझे ज़ाती तौर पर अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैं वर्सेस की नो डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ कोई आर्टिस्ट की नहीं कर, बट म्यूज़िक प्रोडक्शन बहुत ऊपर की है, तुम समझ रहे हो, लाइक इंस्ट्रूमेंट्स बहुत अजीब अजीब वियर्ड किस्म के हैं और बहुत ज़्यादा, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा एक्सपेरिमेंटल है, बट वो वियर्ड भी हैं और एट द सेम साइड पे तुम्हें नज़र आएगा कि वो बहुत कैची है और बाद रिपीटेबल पे आ जाती है। मतलब मैं इन गानों को सुनने के बाद मैं चाहूँ तो लिखूँगा कि ये सीधे मौत का ये गाना से मुझे इंस्ट्रूमेंट्स इसके चाहिए, मुझे उसका इंस्ट्रूमेंट सुनना है ट्रांस के तौर पर या किसी भी चीज़, मतलब म्यूज़िक बहुत सेक्सी है इस एल्बम का। फिलहाल जो मैंने तीन सुने, मुझे पता है अलग ये एल्बम का हिस्सा इतना नहीं है, 29 कुछ गाने करके शायद आई थिंक मिक्स टेप है कि एल्बम है तो। और सेकेंडली जो मैंने शायद पिछली वीडियो में बोला और मैं इसमें भी बोलूँगा, सीधे मौत का क्योंकि फ्लो बहुत टाइट होता है, काफ़ी लोग कहते हैं कि ऑफ बीट है, उनको चूती है, उनको समझ नहीं आती शायद इसलिए, लेकिन फ्लो बहुत टाइट होता है और बहुत ज़्यादा लिरिक्स बोल देते हैं, तो आप आधा गाना भी सुनोगे ना आपको लगेगा सीधे मौत ने बहुत कुछ बोल दिया, बहुत कुछ बोल दिया, और वो आपको महसूस होगा बकायदा, वो दो बंदे होके भी ऐसा लगेगा बहुत कुछ उन्होंने रख दिया। नजर आऊँगा किसी अगली वीडियो पर, और खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें, और हाँ बाबा जी यस कमांडो।